अब राजा का जो है अभिमान जो है सहज खत्म हो गया। वह राजा था इसलिए हुआ, साधारण आदमी नहीं होता। साधारण आदमी के चला जाएगा गरीब, क्या इसको हम तो तमाचा लगा दिए, हमसे बड़ा थोड़ा है। राजा है इसलिए उसका अहंकार खत्म हो गया और वह अपने मुकुट उनके पैरों पर रहकर तत्काल वह संन्यास ले लिया। यह जो है इसीलिए कहते हैं तुम लोग राजा की तरह रहो, राजा की तरह सोचो, राजा की तरह करो, तब एक झटके में तुम्हारा अहंकार जा सकता है, चिरकुट कर नहीं जाता है। वो तो इधर से उधर अपना तर्क इकट्ठा कर लेगा, इधर से इधर उधर से अपने को श्रेष्ठ साबित करने में हरदम तबाह रहेगा। हम ही श्रेष्ठ हैं गुरु जी और सब गलत। आगे कबीर साहब कहते हैं घट का चौका किया उजगारा। घट, घट एक घड़ा भी होता है जिसमें जल रखता है, और यह भी एक घट है, शरीर भी तुम्हारा घट है। घट का चौका किया उजियारा। चौका कहते हैं भोजपुरी शब्द में, क्या चौका तैयार हो गया है, इसलिए चौका आरती बनी। पूजा के जहां गोबर ओबर से लिप करके स्थान को तैयार किया जाता था, चौका पूजा के स्थान को चौका कहा जाता था। और वह तुम्हारा घट भी चौका है, इसको भी तैयार किया है, इसमें भी अखंड दीप जल रहा है। कहते हैं घट का चौका किया उजियारा। तुलसीदास जी ने जो रामायण किया है, रामायण कहा है ना, रामायण का मतलब क्या, राम धन आयन, राम का घर, रामचरित मानस रामायण कहा गया। यानी राम जिस मानस में घूम रहे हो वही घर है भगवान राम। जो तुलसीदास के मन में राम घूम रहा है इसलिए रामचरित मानस है। तुलसीदास के मन में वह राम घूम रहा है ना। भगवान शंकर ने अध्यात्म रामायण कहा है। अध्यात्म यानी जो आत्मा के अंदर राम घूम रहा है, आत्मा के अंदर जो राम घूम रहा है, निवास कर रहा है, वह अध्यात्म रामायण है। यानी शिव जी ने अध्यात्म रामायण लिखा। घट रामायण कहा गया है, बहुत रामायण का नाम है ना, घट रामायण, जो तुम्हारे घट में घूम रहे हैं राम, वह घट रामायण। यह बात सोचकर यह कहा गया है। तो यह कहते हैं कि हम घट का चौका किया उजियारा। तुम्हारा जो है घट रूपी शरीर है चौका, उसके अंदर जो है वह परम पुरुष बैठा है, लेकिन तुम्हारा भान नहीं होता। तुम चारों तरफ हर जगह तुम खोजता है उस परमात्मा को, जहां जहां तुम्हें उम्मीद नहीं है उसे मिलने का, हर जगह जाता है। गाड़ी से जाएगा, कार से जाएगा, पूरे अहंकार से जाएगा कि देखो हम पूरे आए। वह परमात्मा हम चाहे जन्मों जन्म से बाहर खोज रहे हो, भटक रहे हो, लेकिन यहां एक शब्द में कही वह तुम्हारे घट में ही व्याप्त है। बाहर कहां जा रहा है, अंतर की यात्रा करो और तिल पल में खोजो, वह परमात्मा तुम्हारे घट के अंदर पल में दर्शन देगा। लेकिन हम लोग अपने पल के अंदर नहीं जाते हैं। मंदिर में हम बनाते हैं अपने खूब मेहनत से, और दीपक लाते हैं, घी भरते हैं और तेल जलाते हैं। उस पर मेरा ध्यान रहता है कि दीपक बुझे मत, अखंड दीप जलाए है ना, आदमी की नियुक्त करते हैं वह जलते रहे। लेकिन जो परमात्मा वह घट में दीपक जला दिया है, उस घट के तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता है और न कोई बताता है। जब समय का सदगुरु आता है तो तुम्हारे घट के अंदर ले जाता है और उस दीपक को दिखाता है कि तुम बाहर के दीपक के फेरे में क्यों है। जब वह अंदर का दीपक देख लेता है तो उसका घट उजियारा हो जाता है, उजला हो जाता है। तुम्हारा घट उजला हो जाता है, चकाचौंध हो जाता है, तब जो है आंखें बंद हो जाती है और मुस्कुराने लगते हैं तुम अपने आप से। और कहते हैं तुलसीदास ने भी कहा कि परम प्रकाश जले दिन राते, न चाहिए दीप घी तरुवाते। तुलसीदास भी कहते हैं उस बात को, वह परम प्रकाश तो हमारे अंदर जल रहा है और दिन रात जल रहा है। दिन रात में ही हफ्ता आ जाएगा, महीना आ जाएगा, साल आ जाएगा, वर्ष हो जाएगा। समझ गया, पिया नाम रस बड़े खुमारी दिन राती। नानक देवी कहते हैं ना, उस नाम का, उस अखंड का नाम का
रस तो पी लिया, अब खुमारी दिन रात चल रही है, बढ़ रही है, बढ़ते जाएगी, घटेगी नहीं। उसी बात को अलग अलग भाषाओं में कहा जा रहा है। उसी को कह रहे हैं कि इस घट में तो शुद्ध चित्त स्वरूप का दर्शन होता है परमात्मा का। शंकराचार्य ने कहा है उसी को एक को ब्रह्म दत्यो नास्ति, वह ब्रह्म तुम में प्रकाशित हो रहा है, तुम्हारे अंदर, तुम्हारे घट के अंदर। और उस घट के अंदर हम प्रवेश नहीं कर रहे हैं, बाहर भटक रहे हैं। जब वह तुमको दर्शन हो जाएगा तब क्या होगा, चित करु चंदन मनसा फूला, हित करु संपुट करी ले मूला। अभी कह रहे हैं कि तुम चंदन खूब रग रहा है ना, चंदन को तिलक लगाया, अभी बाहर के चंदन को तिलक लगाना पड़ता है। अब कहते हैं चितकर चंदन मनसा फूला, अब तुम्हारा चित्त जो है चंदन हो जाएगा, बाहर के चंदन के चक्कर में क्या पड़ा है। अभी साहब कहते हैं तुम्हारा चित्त को चंदन कर ले, चित्त तुम्हारा इतना चंचल है कि चित्त को इतना घिस दो कि वह चंदन हो जाए, और वह जब चंदन हो जाएगा चीज तो उसे सुगंधी फैल जाएगी, वह सुगंधी चारों तरफ अपने आप फैल जाएगी। इसलिए कह रहे हैं कि चितकर चंदन मनसा फूला, और तुम अभी बाहर से फूल तोड़ तोड़ कर ला रहे हो, चढ़ा रहे हो देवता पर। अब जो है वह बाहर से फूल भी लाने की जरूरत नहीं, तुम्हारा मन ही फूल बन जाएगा, और जब मन फूल बन जाएगा तो तुम्हारे उस फूल जब बनता है तो सुगंधी फैल जाती है तुम्हारे अंदर भी। जब वह मन रूपी फूल बन जाएगा, जिस मन में वासना भरे हो वह फूल बन जाएगा, तो वह सुगंध निकलने लगेगा, वह सुगंध तुम्हारे चारों तरफ फैलने लगेगा। उसमें सुगंध किसका हुआ, समाधि का सुगंध लगेगा, ध्यान का सुगंध लगेगा, और समाधि का फल लगेगा। जब तुम्हारे मन में ध्यान का सुगंध हो जाएगा और समाधि का फल हो लग जाएगा, तो आसपास अपने आप लोग चौंक जाएंगे, यह तो आदमी वह नहीं है, यह तो फूल फूल गया है और फल भी लग गया है, अनायास तुम्हारे यहां लोग झुकने लगेंगे। देखो कहते हैं कि चितकर चंदन मनसा फूला, मनस फूल गया ना। अब कहते हैं हित कर संपट कर ले मूला, अभी तक तुम अपने हित के करने की चिंता में है, यह हित कर लूं, यह हित कर लूं, ही होता नहीं है। फिर आकर कहता है गुरुजी जो हम सोचते हैं वो नहीं, उल्टे हो जाता। अरे यार चित्त को तो निर्मल कर लो, क्यों उल्टा होगा। अभी हम सोचते हैं जो जो गुरुजी सोचते हैं होता ही नहीं है, बड़ा दिक्कत होती है, कुछ उपाय तो कर दीजिए। यहां पर कहते हैं कि अब तुम्हारा हित क्या है, जब तुम्हारा हित सोचता है हो नहीं, तुम्हारा परम हित ही चित्त को शांत हो जाना, जन्मों जन्म से अशांत है यह परम हित है, उसको शांत कर लो। और हित कर संपुट, जब तुम परम शांत हो जाएगा, संपुट मन बंद हो जाना है, तब तुम्हारा मुंह स्वतः बंद हो जाएगा। अशांत आदमी देखता है हरदम बोलते रहता है, पागल आदमी कहीं मुंह बंद होता है, तुम लोग कहते क्या पागल नहीं बरबर बोल रहा है, वही पागल पागल लक्षण है बरबर बोल, एक मिनट नहीं बैठेगा। कुछ लोग तो ऐसे हैं, हमारे भी मित्र थे ऐसे अधिकारी कुछ, एक बार हमको कहीं जा रहे थे, मिल गए रास्ते में, अपने घर ले गए, खिलाए पिलाए नाश्ता कराए, हम कहीं ठीक है, आसवन अफसर हैं, हित हैं, कितना लाज लिहाज करें। हम 10 बजे सो जाते हैं, 10 बजे तक खिलाते पिलाते कुछ कहते रहे, सो गए, 12 बज गया फिर उठा दिए, सुनिए सुनिए उठी है, हमने कहा कुछ बात रह गया, बात करना है ना, नहीं गजब झेलना है, फिर 12 बजे एक घंटा बात किए, फिर हम सो गए, फिर 3:30 बजे फिर जगा दी, उनको बात करने की रोक था, हम कहें कि अब बस कीजिए, अब हम चले यहाँ से, अब फिर आपके यहाँ हम नहीं रहेंगे, आप तो पागल मालूम होते हो यार। कुछ लोगों को बात करने की बीमारी होती है, तुम लोग को मिले हैं कि नहीं मिले। तो यह कह रहे हैं कि हितकर संपुट, जब तुम्हारा हित ठीक ठीक हो जाएगा,
मन तुम्हारा शांत हो जाएगा, चित्त शांत हो जाएगा। हित हो गया ना, तो मुंह संपुट यानी बंद हो जाएगा। हितकर संपुट, मुंह बंद हो जाएगा, स्वतः बंद नहीं करना पड़ेगा। तब करिले मूला, मूला यानी मूल तत्व, परम पुरुष ही मूल तत्व है। वह मूल तत्व का स्वतः दर्शन हो जाएगा। अब तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं है, उसे देखते रहोगे, मुस्कुराते रहोगे, अपने में क्षण क्षण जैसे बच्चा को देखा होगा, छोटा सा बच्चा जो नहीं बोलता है, कभी देखता अपने में हंसता है, मुस्कुराता है, फिर कहते हो क्या कर रहा है, वो अपने में हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है, तुम अपने में देख रहे हैं, जब देख रहे हैं तो रो रहे हो, सुस्की मार रहे हो, कहाँ है भाई, अशांत हो। जब तुम भी उस चिंत शांत हो जाएगा, मुंह बंद हो जाएगा, परम तत्व मूल तत्व जो है, परमात्मा जो है, जब तुमको दर्शन देते रहेगा, हरदम उठते बैठते चलते फिरते उसी में तुम्हारा चित्त लग जाएगा, दर्शन देगा, तुम भी अपने आप मुस्कुराएगा। और तब तुमको देखने वाले कहता है कि बरबर बोल रहा है, यह पागल है। फिर वह पागल जब तुमको देखेगा, कहोगे देखो ना अपने आप मुस्कुरा रहा है, पागल है क्या? देखो अभी तुम उसको पागल कह रहे हो, वह पागल तुमको, अब संसार में पागलों की संख्या ज्यादा होती है, वह पागल अब तुमको कहने लगेगा कि देखो नहीं अपने आप मुस्कुराते रहता है। अब जो है यह उच्चारण, अब तुमको जो है उस सत्पुरुष को, परम पुरुष का नाम तुम्हारे मन में अपने आप सुनाई पड़ने लगेगा, अनाहत सुनाई पड़ने लगेगा। वह नाम जो है एक ओंकार का नाम अपने आप तुम्हारे अंदर चलने लगेगा, अब कहने की जरूरत नहीं है, और तुम मस्ती में भान में रहेगा। करते हैं कि श्रद्धा चमर प्रीति का धूपा, नूतन नाम साहब का रूपा। कहते हैं कि श्रद्धा, श्रद्धा की जरूरत है, श्रद्धा की चमर प्रीत कर धूप। देखो श्रद्धा एक बहुत बड़ी बात है, श्रद्धा हृदय की बात है, श्रद्धा हृदय से आती है। अब तो हृदय है ही नहीं तुम लोग, पूछते हैं क्या हाल है हृदय का, अटैक हो गया गुरुजी। अरे हृदय पर अटैक कैसे हो गया यार, पहले हम लोग बचपन में सुनते नहीं थे कि हृदय भी अटैक की का कहलाता है, अब दिल्ली में आए तो बहुत हृदय अटैक देखने लगे, जब मैंने तबे तो हृदय अटैक हो गया कि क्या हो गया भाई, कौन रोग लग गया, हृदय की बीमारी। देखो हृदय जो है बीच में है, अनाहत चक्र है ना, बीच में है, इसके नीचे देखो ठीक तीन चक्र है, और इधर से हृदय से ठीक यदि दक्षिणायन शुरू होता है, और यहां से ऊपर उत्तरायण होता है, तो हृदय से तुम उत्तरायण का काम लेना है ना, श्रद्धा का काम लेना है, परमात्मा का काम लेना है। लेकिन हम लोग हृदय से क्या काम लेते हैं, काम क्रोध मद मोह लोभ अहंकार, तरह ठीक करके मानव हम। अरे तू क्या ठीक करेगा, अपने ठीक है कि उस पर ठीक करेगा, अक्सर बे ठीक आदमी कहता है कि तुमको ठीक करके मानेंगे। अरे तुम अब तुम करेगा, अच्छा हम तुमको ठीक करेंगे, अब कंपटीशन लगा देता है तुम लोग कि हम तुमको करेंगे तो हम तुमको करेंगे, ये नहीं कहता है कि अच्छा भैया हम यदि गड़बड़ हैं तो हमको ठीक कर ही दो, गाड़ी यदि गड़बड़ हो जाती है तो ठीक करने मिस्त्री के भेजता है, लेकिन अब कंपटीशन होती है कि हम भी तुमको ठीक करेंगे, दक्षिणायन का काम हो गया ना, इसलिए श्रद्धा उत्पन्न नहीं होता, श्रद्धा की तालाब सूख रहा है। लड़के बच्चे जैसे जैसे बड़े होते हैं श्रद्धा सूख रहा है, इसलिए टेंशन में आ रहे हैं, टेंशन से डिप्रेशन में जा रहे हैं, डिप्रेशन से फ्रस्ट्रेशन में जा रहे हैं, फ्रस्ट्रेशन से सेल्फ सुसाइडल में जा रहे हैं, यही यात्रा हो गई, श्रद्धा सूख गई। पहले श्रद्धा बच्चों के मां बाप में होता था, बाबा में होता था, अब अक्सर औरतें जो है अपने बच्चों के बाबा से काटती है, पहले दादा दादी से काटते हैं, अपने में सेंट्रलाइज करती है, बच्चा भी कहता है अच्छा दादा दादी से काट दिया था, हाँ तुम अपने में कर रही है, तो वह भी बच्चा स्कूल में जाता है किसी और लड़की से अपना प्रेम करने लगता है, माँ बाप को भी छोड़ देता है, ये क्यों हमको छोड़ दिया भाई, तुमने भी अपने माँ बाप को छोड़ दिया था ना, वही सीखे हैं तुमसे,
यह सब हो रहा है। जब हम अपने मां बाप से प्रेम नहीं करेंगे तो हमारा लड़का करेगा? यदि तुम चाहते हो तो अन्याय कर रहे हो ना, नहीं होगा। तुम जब हक किसी का छीन लिया है तो तुम्हारा भी छीन जाएगा ना, ये प्रकृति का नियम। पहले जो छोटे लड़के होते थे वह दादा दादी के गोद में रहते थे। तुम लोग जरा याद करो अपने को, दादा दादी, दादा दादी कब अपने गोद में खिला खिला करके भारत की सभ्यता और संस्कृति उस कहानियों में सुना देते थे। और सब सभ्यता संस्कृति, राम का, कृष्ण का, बुद्ध का, महावीर का, दसों गुरुओं का सब कहानी बच्चा कब जान गया, बिना स्कूल का, बिना विद्यालय का, उसे भी मालूम नहीं। उसके रग रग में वह जो है अपने आदर्श पुरुषों की सभ्यता संस्कृति भर गई। यह किसी स्कूल में पढ़ाया जाएगा, किसी पाठ कोर्स में होगा? ये दादा दादी काम कर देते थे, कहानी के बाद सुलाते थे अपने यहां, फिर कहानी सुना। अब माँ बाप सुलाता है, माँ बाप का एक बेड यहां लगा है, लड़के का लगा वहां, चुप सो जाओ। अब लड़का भी क्या करेगा भाई, नहीं चाहते, चुप हो जाता। कहा अच्छा चलो हम भी बताएंगे तुम, जब तुम भी बूढ़ा होता कहता चुप सो जाओ। कहा अरे तुम हमको यह कह रहा है? कहा कि यही तो सिखाया है, वही बात कहता है ना। श्रद्धा की जरूरत है, श्रद्धा चवर प्रेम का मूला। इसलिए कहते हैं कभी सब श्रद्धा चवर प्रीति का धूपा, श्रद्धा को उत्पन्न होना चाहिए ना। देखो एक बार हमने देखा है कि हमारे गुरुजी स्वामी आत्मादास जी कि हैं, दो आदमी आया एक ही रोग से, मिर्गी, मिर्गी जानते हो ना, मिर्गी रोग से आया। एक आध घंटा के अंतराल मैं वहां था, उन्होंने साधारण एक आदमी को कह दिए, आके रीठा जानते हो ना, हम भी देते हैं कभी कभी, रीठा ले लो, उसको एक सफेद कागज में बांधकर हरदम सूंघते रहो, जा। अरे महापुरुष का कोई ना कोई बहाना ही बहाना है तुम्हारे रोग का इलाज का, वह दवा हो या न हो, कोई भभूत उठाकर दे दिया। अरे भभूत में ऐसा एनालिसिस किया है रे पागल की, तुम्हारा कोई रोग ठीक हो जाएगा है? तुम फल लाया, तुम्हारे फल को उठाकर उसी को दे दिया, लो ले जाओ खा जाओ। अब तू जा करके उसको लेबोरेटरी में जांच करेगा कि इस फल में क्या है कि हमारा रोग ये ठीक होगा नहीं होगा। वह फल उठाकर दे दिया, तुम्हारी श्रद्धा पर कीमत रखता है, श्रद्धा पर। वो दे दिए, कह जाओ इसे ठीक हो जाएगा, वो चला गया बेचारा, गृहस्थ था। एक हमको मास्टर साहब थे, वो भी आए उस रोग से, कहे कि उनको भी वही बता दे कि जाओ इसको दे देना ठीक। लेकिन वे सुन लिए जरूर, चले गए बीएचयू में जांच उच कराए, कहाँ कराए, फिर वो जांच बीएचयू में कराते रहे। लड़का का रोग ठीक नहीं हुआ, वो रीढ़ की हड्डी उड्डी से खून निकाल लिया, क्या किया नहीं किया बीएचयू को, लड़का अपंग हो गया, पैरालिसिस मार दिया। और 30 वर्ष तक, वो 15 वर्ष की घटना है, 30 वर्ष आते आते लड़का वहाँ मर गया। वह जो लड़का जो जिसको बताया थे, वह गृहस्थ जो गया, वह दूसरे साल भंडारा करने आया गुरुपुरमा में, हम लोग थे, क्या बात है भाई? तो कहा कि गुरु जी ने बताया था ना रीठा को सूंघने के लिए, उस लड़का उसी से हमारा बिल्कुल स्वस्थ हो गया, ठीक हो गया, उसके उपलक्ष्य में हम भंडारा कराए। एक ही बताया दोनों को, एक ठीक हो गया,